सीएनजी के प्राइस बढ़ने के बाद भी मेरे को 50% का डिफरेंस आ रहा है, मतलब हाफ आपको लगता है महीने में। मेरे को एग्जैक्टली वो उसमें 10 रुपए के आसपास पड़ता है पेट्रोल पर किलोमीटर जी क्रेटा के अंदर, और 5 रुपए पूरी पड़ती है मेरे को, 5 से इनफैक्ट थोड़ी कम, 4.5 से 5 पड़ती है मेरे को सीएनजी पर किलोमीटर। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ड्राइव ऑटो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज प्रमोद एंड वी आर इनटू सीएनजी बिजनेस सिंस 2011। दोस्तों आज मैं आपके सामने गाड़ी लेके आया हूँ, टोयोटा की ऑल्टेस। बहुत प्यारी गाड़ी है, प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, और बहुत सारे मेरे कस्टमर्स मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि अगर उनको कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है जिसके अंदर उनको सीएनजी लगवानी है तो कौन सी गाड़ी ली जाए। तो मेरे माइंड में कुछ गाड़ियां आती हैं उसके अंदर होंडा की सिटी आती है और टोयोटा की ऑल्टेस आती है। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है 2018 का मॉडल है, इन्होंने ये गाड़ी सेकेंड हैंड खरीदी है। इनका मानना ये है कि प्रीमियम गाड़ी सेकेंड हैंड खरीद के उसमें सीएनजी लगवाते हैं। इनकी फैमिली से मेरे पास ये 5वीं गाड़ी आई है। इससे पहले मैंने इनकी i20 में, क्रेटा में, टाटा की गाड़ी में किट लगाई थी। आज ये ऑल्टेस लेके आए हैं। ब्लैक कलर की गाड़ी है और बहुत शानदार गाड़ी है, मात्र 34,000 किलोमीटर चली हुई है। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए बट इन्होंने ये गाड़ी 14 लाख रुपए की खरीदी है। कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स के फ़ोन ये भी आते हैं कि गाड़ी का क्या वैल्यू होनी चाहिए, कितने प्राइस में गाड़ी मिल जाएगी। तो 2018 मॉडल की गाड़ी है, 14 लाख रुपये में इन्होंने गाड़ी ली है, यूपी नंबर गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर हमने आज सीएनजी इंस्टॉल की है, क्या क्या सामान लगाया है वो मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। और ये ऑटोमेटिक वर्जन है। बहुत सारे क्लाइंट्स के माइंड में मिथ आता है कि क्या ऑटोमेटिक में भी सीएनजी लग जाएगी। देखो गियर बॉक्स चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा तो ये मानना है कि ऑटोमेटिक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। एवरेज की बात की जाए तो पेट्रोल पे मैं कस्टमर से पूछूंगा, क्योंकि जितने भी दिनों ने गाड़ी पेट्रोल पे ड्राइव की है तो एवरेज पेट्रोल पे तो अच्छा नहीं होगा इसका। सीएनजी पे जैसा कि हमारे पुराने क्लाइंट्स का फीडबैक रहा है, सीएनजी पे बहुत अच्छी माइलेज निकाल के देती है। आज की रेट में अगर हम कंपेयर करते हैं पेट्रोल और सीएनजी को, तो कम से कम 15 से 20 रुपए का तो प्राइस का गैप है। वो तो चलो एक अलग बात होगी, सीएनजी के प्राइस भी बढ़े हुए हैं, बट कहीं ना कहीं सीएनजी लगवाने का जो बेनिफिट है वो आपको एवरेज का मिलता है। तो दोस्तों जितने भी डीलर्स मार्केट में किट लगाते हैं, एक थंब रूल है कि आपकी गाड़ी में 50% का जंप मिलता है। बट कभी अगर फिटमेंट की क्वालिटी अच्छी है, वर्कमैनशिप अच्छी है, आपने अच्छी किट लगाई हुई है, अच्छी जगह से लगाई है, तो कभी कभी माइलेज आपकी डबल भी हो जाती है। तो इसके अंदर जो हमने सीएनजी लगाई है वो लोवेटो लगाया है, और लोवेटो एक ऐसा ब्रांड है जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है मार्केट के अंदर। फिटमेंट की क्वालिटी आपके सामने है, ऐसी फिटमेंट की है कि आपको जल्दी से इसमें किट दिखाई भी नहीं देगी। जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी ट्रिपल लेयर वायरिंग है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा ध्यान में रखा हुआ है। गाड़ी का इंजन काफ़ी क्लीन है, तो क्लीन नीट एंड क्लीन किट भी लगाई हुई है इसके अंदर। पार्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी वीडियोस के अंदर सेम पार्ट्स लगते हैं, और आपके सामने यहाँ पर सिक्वेंशियल किट लोवेटो लगी हुई है। गैस फिलिंग की अगर बात करते हैं तो फ्रंट साइड से हमने गैस फिलिंग यहाँ पर दिया हुआ है, नोब को निकाल के आप इसमें गैस फिलिंग करा सकते हैं। लग्जरी गाड़ी है, प्रीमियम है, तो कस्टमर का ये बोलना था कि यार बार बार बोनट नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि जब बार बार बोनट खोलोगे, बड़ा इंजन है गाड़ी का तो छोटे इंजन के मुकाबले परफॉर्मेंस तो अच्छी आती है बट एवरेज काफ़ी कम आती है, तो बार बार इनको पंप की लाइन में लगना पड़ेगा और ये इसका अलाइनमेंट ख़राब नहीं करना चाहते। तो हमने इनके लिए प्रोविज़न क्या किया है कि बैक साइड से हमने फीलिंग वॉल्व दिया है, और जो बैक साइड का जो फीलिंग वॉल्व है वो ओरिजिनल हमने एमर का लगाया हुआ है। एमर इटली की सबसे बड़ी कंपनी है, बहुत प्यारा फीलिंग वॉल लगाया है। देखो जगह तो इसमें बिल्कुल नहीं है बट कहीं ना कहीं हमने इसके अंदर कटिंग करके इसको मैनेज किया है। अभी ये प्रॉपर लग गया है बैक फिलिंग वॉल, आप इसको यहाँ से खोल के और यहाँ से आप गैस फिल करा सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें काटना पड़ा है इसको, क्योंकि इसमें स्पेस की प्रॉब्लम है, और वैसे अगर देखा जाए अगर इसमें स्पेस ना हो तो बाहर की तरफ एनजीवी वॉल लगाना पड़ता है, बट मेरा ये मानना था कि बाहर की तरफ मैं नहीं लगाना चाहता था। मैंने कोशिश करके इसको अंदर की तरफ लगा दिया है, और अंदर की तरफ लगाने से आपका अगर मैं इसको कैप को बंद करता हूँ तो पता भी नहीं लगेगा कि इसमें सीएनजी इंस्टॉल हो चुकी है।
सिलेंडर की अगर बात करते हैं तो देखो थ्री बॉक्स कार है तो स्पेस तो आपको भरपूर मात्रा में मिलता है, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया स्पेस निकला हुआ है। आप देख सकते हैं कितना भी लगेज इसके अंदर, इवन अटैची भी डाल सकते हैं इसके अंदर। हमने इसके अंदर 65 लीटर का सिलेंडर लगाया हुआ है, लेमन लैंग्वेज में इसको 14 किलो बोल देते हैं। वैसे इसके अंदर 8.5 से 9 किलो गैस आएगी, गर्मियों में थोड़ी गैस कम आती है, सर्दियों में थोड़ी गैस ज़्यादा आती है, आधा पौना किलो का फर्क पड़ जाता है जैसे ही आपका वेदर चेंज होता है। और मैं आपको गाड़ी को अंदर से भी दिखा देता हूँ कि गाड़ी का जो स्विच है, जो सीएनजी का जो स्विच है, वो कैसा हमने लगाया है। अगर मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ये जो गाड़ी है हमने अभी स्टार्ट की है, आप सभी के लिए बता दूँ जो जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो नए व्यूअर्स हैं जिनको पता नहीं है सीएनजी के बारे में, गाड़ी हमेशा पेट्रोल पे स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो जी लिखा हुआ है ये गैस पे गाड़ी अभी कन्वर्ट होने की पोजिशन में है, क्योंकि टेम्परेचर और इसमें आरपीएम टाइमिंग थ्रेशोल्ड दिया हुआ है, तो कम से कम 5 से 10 सेकंड लगते हैं इसको कन्वर्ट होने में। और हल्का सा मैंने एक्सेलेरेटर दिया है तो ये आपकी गाड़ी गैस पे कन्वर्ट हो चुकी है। टोटल इसमें देखा जाए तो 5 डॉट दिए हुए हैं और एक एक डॉट कम होता जाएगा। लास्ट का जो रेड कलर का डॉट है ये बंद रहता है, ये तब ऑन होगा जब गाड़ी रिजर्व में आ जाएगी, यानी कि रिजर्व के अंदर भी कई बार 1 से 1.5 किलो गैस रहती है। पुश बटन है, अगर मैं आपके डैशबोर्ड की तरफ देखता हूँ तो कार जो है मात्र 36,000 चली हुई है, किसी भी तरह का कोई चेक इंजन निशान नहीं है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि गाड़ी कंप्लीट ऑटोमेटिक है, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ऑलरेडी हम लेके आ चुके हैं, बट स्टिल एक दोबारा टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं और इस वीडियो में कवर करते हैं गाड़ी कैसी चल रही है। जिस कार के ओनर हैं उनका भी एक फीडबैक हम लेंगे कि जो जो इनका पेट्रोल पर जो मज़ा था, क्या वो मज़ा एज इट इज़ इनको सीएनजी में मिल रहा है या फिर थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, तो कहीं ना कहीं एक फील जो है वो भी बहुत ज़रूरी है इस गाड़ी के अंदर। और एवरेज भी पूछेंगे कि पेट्रोल पे क्या एवरेज है, सीएनजी पे क्या एवरेज आएगी, वो तो खैर जब गाड़ी दोबारा हमारे पास कभी आएगी तो हम इस पर पता करेंगे कि सीएनजी पे क्या माइलेज है। मेरे अकॉर्डिंग ये गाड़ी सिटी के अंदर 125-130 चलनी चाहिए और हाईवे पे गाड़ी 190 किलोमीटर चलेगी ये। तो अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे जो कार के ओनर हैं वो गाड़ी में आ चुके हैं, गाड़ी अभी सीएनजी पे ऑलरेडी ड्राइव हो रही है और आप देख सकते हैं कि गाड़ी कंप्लीट ऑटोमेटिक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मैं बेल्ट लगा लेता हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी डिस्टर्ब करेगी। मोहित जी, इजी ड्राइव में आपका स्वागत है और मुझे पता है और बहुत सारे व्यूअर्स अगर आपकी पहली वाली वीडियो देखी होगी कि हमने एक आपकी ब्लैक कलर की क्रेटा में किट लगाई थी और उसको लगाए हुए ऑलमोस्ट हमें 2 साल हो चुके हैं, वो भी काफ़ी अच्छी चल रही है। तो आज आप ब्लैक कलर की दोबारा एक ऑल्टिस हमारे पास लेके आए हैं, तो पेट्रोल पे थोड़ा सा इसका माइलेज आपको बताना होगा और परफॉर्मेंस तो सबको पता है कि ऑल्टिस टोयोटा की गाड़ी है तो टोयोटा की परफॉर्मेंस तो एकदम लाजवाब आती है। इसकी पेट्रोल पे क्या माइलेज निकाल के देती गाड़ी आपको सर? पेट्रोल पे मेरे को देती है 8.5 या 9 मैक्सिमम। 8.5 या 9 ये सिटी में बता रहे होंगे ना आप? हाँ जी। और हाईवे पे क्या माइलेज निकाल के दे रही गाड़ी सर? हाईवे पे 12-14 12 से 14 का हाईवे पे निकाल के देती है, यानी कि ये है कि 1 लीटर अगर हम तेल डलवाते हैं और सिटी में ड्राइव करते हैं तो मात्र आपकी 8 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव होती है। ये 1 लीटर तेल की कीमत जो है वो करीबन 96 से 98 वेरी करती है और ये आपको 10 रुपये किलोमीटर से भी ज़्यादा पड़ेगी सर। बिल्कुल 11, 11.5, 12 रुपये। हाँ 11.5, 12 रुपये आपको ये पड़ेगी कॉस्ट इसकी पर किलोमीटर। तो आप आज हमने इसके अंदर सीएनजी लगाई है। वैसे मोहित जी, कुछ चीज़ें मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि ऑलरेडी आप ना सीएनजी की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। हाँ जी। और जितने भी हम मार्केट में जितने भी सीएनजी फिटर्स बैठे हुए हैं, हाँ, सभी एक थंब रूल ये बोलते हैं कि 50% का जंप लगता है गाड़ी के अंदर, और आपके पास एक ऑलरेडी क्रेटा भी रही है तो आप ज़्यादा अच्छा बता पाओगे कि आपकी ऑटोमेटिक ही थी क्रेटा भी, क्योंकि एक बार कोई बंदा ऑटोमेटिक लेता तो दोबारा वो मैनुअल चला नहीं पाता, ऑटोमेटिक ही पसंद आती है। तो आपने ये गाड़ी ऑटोमेटिक ली है तो क्या आपको लगता है कि आपकी गाड़ी की माइलेज क्या आने वाली है? बिकॉज़ मेरे को लगता है कि गाड़ी की जो माइलेज है वो आपको 125 से 30 किलोमीटर चलेगी आपके सिटी के अंदर। हाँ। और 190 आपकी, 195 आपकी ये हाईवे पे चलेगी। अगर हम बात करते हैं सिटी में 125 से 30 की माइलेज,
तो 8.5 किलो गैस आएगी इसके अंदर। तो क्या लग रहा है सर आपको माइलेज में कितना जंप मिलेगा आपको? जो मेरी क्रीटा जो मैं चलाता हूँ उसमें उसकी भी सेम माइलेज है सर। हाँ उसकी भी पेट्रोल पे बहुत कम माइलेज है। सीएनजी के प्राइस बढ़ने के बाद भी मेरे को 50% का डिफरेंस आ रहा है। मतलब हाफ आपको लगता है महीने में? मेरे को एग्जैक्टली वो उसमें 10 रुपए के आसपास पड़ता है पेट्रोल पर किलोमीटर जी क्रेटा के अंदर। और 5 रुपए पूरी पड़ती है मेरे को, 5 से इनफैक्ट थोड़ी कम 4.5 से 5 पड़ती है मेरे को सीएनजी पर किलोमीटर। बट आपने जब 2 साल पहले लगवाई थी तब तो और भी कम पड़ती होगी। अभी फिलहाल फिलहाल मेरे को ये पड़ रहा है आजकल। मतलब 10 रुपए किलोमीटर आपको पड़ती है पेट्रोल पे क्रेटा और 4.5 से 5 रुपए पड़ती है आपको सीएनजी पे। यही सेम आपका इसमें होने वाला है ऑल्टिस के अंदर। वैसे अभी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो मतलब कितना आपको लैग लग रहा है इसके अंदर? पता नहीं चल रहा कि सीएनजी पे या पेट्रोल पे। मैंने 2-3 बार चेक भी किया। अच्छा, मेरे को लग रहा था पेट्रोल भी चल रही है। ऑलरेडी हम ऑल्टिस के अंदर करीबन 8 से 10 गाड़ी में लगा चुके हैं और बहुत जबरदस्त फीडबैक आता है। मेरे को तो बहुत पसंद है गाड़ी ये। और तो गाइस देख सकते हैं कि गाड़ी तो बहुत शानदार चल रही है, तो बहुत अच्छा सीएनजी पे माइलेज भी आने वाला है। गाड़ी को पूरा थ्रॉटल हमने दे दिया है बट हम सिटी के अंदर हैं तो पूरा हम ड्राइव इसको नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।